कोविड महामारी के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में कल से सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने तय समय से 15 दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला किया है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और सफारी हर साल 15 नवंबर को खोल दिए जाते थे। कोविड महामारी और इसके कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये सभी पार्क मार्च में बंद कर दिए गए थे। इन पार्कों में प्रवेश के लिए पर्यटकों या गाइड सभी को थर्मल स्क्रीनिंग कराना होगा और केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे। पीलीभीत बाघ अभयारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी द्वारा जिप्सियों को वर्चुअल माध्यम से फ्लैग ऑफ करके किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उस दिन पर्यटकों के लिए NIC और 15 चिन्हित पॉइंट जो हमने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में चिन्हित किए हैं उनको पर्यटकों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा पर्यटक चूका बीच बाइफर्केशन आदि का आनंद ले सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है।